तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं मिर्च फ्राई। तो सबसे पहले हमने मिर्च फ्राई बनाने के लिए मिर्च ले लिया है और नींबू। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले तरफ, हमने जीरा ले लिया है और काला नमक और नमक ले लिया है। अब हम मिर्च को जो है उसको हम बीच बीच में काट लेंगे। देख सकते हैं आप लोग चीरा लग। अब हम गैस पर तवा रख लेंगे, उसमें हम अब हम जीरा भून लेंगे। देख सकते हैं आप जीरे को अच्छे से लाल कीजिए। जब वो लाल हो जाए फिर उसके बाद आप उसे अच्छी तरह कूट लीजिए, एकदम उसका मसाला बना लीजिए। देख सकते हैं हमारा जीरा जो है पाउडर में एकदम बन चुका है। अब हमने तेल ले लिया है, अब हम तेल को थोड़ा लाल होने देंगे, फिर उसमें हम मिर्च डाल देंगे। मिर्च को अब हम अच्छे से लाल होने देंगे थोड़ी देर। देख सकते हैं इसको बीच बीच में चलाइए। चलाते रहिए बीच बीच में जब तक ये पक ना जाए। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मिर्च है अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें मिर्च में जीरा जो हमने पाउडर बनाया था उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा काला नमक और अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर लीजिए। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें थोड़ा और टेस्ट लाने के लिए नींबू ऐड कर देंगे ऊपर से। देख सकते हैं अब हमारा मिर्च जो है फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब इसे टेस्ट करने की बारी आती है। और आप इसे रोटी के साथ अचार की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।